ஜாயிருக்கும் தி எக்ஸ்ப்ளோரர். हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। रात भर पूरा बारिश दे रही है, उसके वजह से हम लोग एकदम आज भी लेट हो चुके हैं। दीदी और मैं आज सबसे लेट हो चुके हैं। मम्मी और लंबा तो सुबह उठते ही वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मम्मी तो अभी भी काम कर रही है, तो मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अभी। दीदी भी सब्जी रेडी कर रही है और मैं किचन पे यहाँ खाना पका रही हूँ। पीछे में देख सकते हो एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है। आज अभी बारिश रुक गई है, ये देखो यहाँ पे सब्जी रेडी कर रही है और मम्मी यहाँ पे चावल सफा कर रही है। फिर से आज हम लोग खेत में काम करेंगे। अभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। चावल को तो यहाँ पे चरा दिया है, अभी यहाँ कढ़ाई पे मैंने तेल भी दे दिया। आज टमाटर की सब्जी पकाऊंगी। देखो टमाटर जो था सिर्फ दो तो था, इसलिए मैंने ऐसे छोटे छोटे करके काट दिया है। इसमें रेडी कर दिया है मिर्च और थोड़ा सा प्याज। ये देखिए टमाटर की सब्जी यहाँ पे। अभी फिर से दो अंडा बचा हुआ है, इसको भी यहाँ दे देंगे। अंडा सब्जी तो बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। अभी फिर से ये वाली सब्जी को यहाँ पकाएंगे। इसमें दीदी ने ड्राई फिश दे दिया है, मिर्च दे दिया मैंने और थोड़ा सा नमक। अभी बस इसको दे देती हूँ, एकदम ड्राई करके खाएंगे इसको जो है। अभी मेरी अंडा और टमाटर की सब्जी हो चुकी है। ये देखो किसको पसंद आ रही है, जरूर कमेंट में लिखना। बापरे इतना जोर से बारिश दे रही है दोस्तों, ये देखो। आज दिन भर पता नहीं क्या करेंगे, क्या ब्लॉग बनाऊंगी, ये सोच सोच के तो पूरा दिमाग में इतनी प्रेशर होती है ना, क्या ही बताओ। तो अभी बारिश को तो ऐसे देख नहीं पाएंगे। अभी हम लोग को बहुत जोर से भूख लग रही है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे है टमाटर और अंडा का सब्जी और यहाँ पे ये पता नहीं इसे क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ पे है जीगा सब्जी। बस यही तीन सब्जी से हम लोग खाना खाएंगे। ये तो पूरा सबने ले लिया है थाली में, ये फिनिश हो चुका है। हमारे ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी बर्तन वगैरह को वॉश करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें जो है धनिया का सीड है। देखो आज इसको जो है निकल आए, खेत में उगाएंगे। ये देखो निकल आई है यहाँ पे। देखो 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 ये देखो, आज इसको भी खेत में लेके जाएंगे। और वो वाला हुआ है कि नहीं, गाजर, गाजर वाला सी। हो गया ये भी। हाँ तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर लिया है। अभी बहुत एकदम तीन दो घंटे के लिए मैंने नैपिंग ली थी। अभी पूरा एकदम शरीर जो है पूरा थकान सा ऐसे लग रही है। बारिश भी रुक गई है, तो हम लोग जो है शाम को फिर से खेत में धनिया का सीड को और वो गाजर का सीड को वहां पे उगाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मम्मी जो है खीर बना रही है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे खीर कैसे बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को नहीं दिखाऊंगी, बस खाने वाला दिखाऊंगी। मम्मी यहाँ पे बना रही है और हमने यहाँ पे ये नारियल भी रेडी कर दिया है एकदम छोटे छोटे करके। तो अभी बस इंतजार रहेगा खीर को जल्दी पकने के लिए, है ना मम्मी? हाँ, हो जाएगा। अभी मम्मी ने ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ गैस पर दे दिया है। ये देखो हम लोग का खीर अभी जो है खाएंगे, इसको होने देते हैं। और लगेगा क्या टाइम? हो गया है, हो गया है। हाँ।
यहाँ हम लोग का खीर रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग खाएंगे यहाँ से। ये देखो हम लोग का अमित आ चुका है, ये लो। थैंक यू, वेलकम। खाओ खाओ, टेस्ट करो। टेस्ट करना एक बार ना। हाँ, जरा गर्म है। गर्म है? हाँ, अभी अभी जल जाएगा, जल जाएगा। अच्छा हुआ है, बहुत गर्म है लेकिन। हाँ, बहुत गर्म है। हमने खीर वगैरह भी खा लिया है दोस्तों, बारिश फिर से देने वाली है क्योंकि मौसम जो है पूरा एकदम अजीब कर रहा है। पूरा ठंडा ठंडा हवा आ रही है, बारिश बहुत जोर जोर से दे रही है। दोपहर में भी बहुत जोर से बारिश दिया था, सुबह में भी। अभी देखो फिर से देने वाली है, एकदम सफेद करके आ रही है बारिश। तो हम जो है अभी फिर से इस साइड का यहाँ पे गाजर का सीड को देनी पड़ेगी। तो अभी बारिश को देख लेते हैं, ज्यादा बारिश देने से तो भीग नहीं पाऊंगे क्योंकि मुझे जो है सर्दी भी हुआ है और गला भी इतना पेन होता है ना, पूरा खांसी भी हो गया है। इसलिए मम्मी बोल रही है कि यहाँ से जो अनार का जो पत्ता होता है, ये वाला पत्ता, तो इसे जो है चबा चबा के खाने के लिए। तो मैं यहाँ से थोड़ा देर बाद लेके जाऊंगी इसको, जो है बस ऐसे थोड़ के वॉश करने के बाद मैं चबा चबा के ले जाऊंगी और उसका रस जो होता है वो पीना पड़ेगा। पूरा इतना इसमें पेन होता है, पेन। धीरे धीरे शाम होती जा रही है दोस्तों, अभी फिर से मैं और मम्मी यहाँ खेत पर लग जाएंगे। यहाँ पे मम्मी फिर से मिट्टी को ठीक कर रही है, एकदम मुलायम कर रही है। तो यहाँ लाई है गाजर का सीड और यहाँ पे धनिया का सीड, और यहाँ पे जो है ये अलग ही कौन है, ये हम लोग कहते हैं बीनी मुक्की। ये देखो इसको जो भी, इसको साइड साइड में देना पड़ेगा ना मम्मी। हाँ, साइड साइड में। यहाँ मेरा पति भी आ चुका है। वाह, पति देव, मेरा पति जय जवान जय किसान। हाँ, ऐसे ही होता है गांव का जिंदगी। देखो सबसे पहले हम लोग धनिया का सीड को इस साइड में दे देंगे, फेंक देंगे ऐसे बोल रही क्योंकि खाने से भी इजी हो जाएगा, एकदम घर के पास में होगा ये देखो। और इस साइड में जो है गाजर को दे देंगे। यहाँ पे लाई पत्ता दे दिया है मम्मी ने, और कल वहाँ पे हम लोगों ने मूली दिया है, और यहाँ पे जो मटर था उसे भी दिया, और राजमा, राजमा बीन्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ना मम्मी। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज उसे भी एकदम कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा बारिश देती है ना तो मिट्टी जो है एकदम ठीक होती है, उस कारण हम लोगों के लिए भी थोड़ा आसानी होती है। थोड़ा फटाफट करेंगे। तो ये वाला मिट्टी जो है दोस्तों हो गया है, अभी इसको एकदम मेरा पति ने ठीक कर दिया है। इसको हम लोग यहाँ साइड पे दे देंगे। देखो मिट्टी एकदम अच्छा हुआ है, पूरा काले काले। अभी हाँ, अभी दे देंगे। हाँ, ऐसे लाइन करके अभी फिर से वहाँ पे करना पड़ेगा, फावड़ा से कर दो। हाँ, आज इतना ताकत आ चुका है इसका, खीर खाया है इसलिए ताकत है। खीर का ताकत, खीर का ताकत। वैसे भी बॉडी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये देखो, और यहाँ मम्मी देखो ये धनिया का सीड को दे रही है। हाँ, ऐसे ही ना। हाँ, आप दे दो। मैं कैमरा ऐसे पीछे पीछे रहती हूँ, कैमरा कैमरा वुमेन। ये देखिए दोस्तों, मम्मी ने धनिया का सीड को भी दे दिया है। अभी जो है इसमें केले के पत्ते देनी पड़ेगी, है ना मम्मी? और आज देना है? नहीं देगा? ओ, हो जाएगा। नहीं तो केले के पत्ते देनी पड़ती थी आज, अभी जो है हम लोग नहीं देंगे। हो गया है क्योंकि भिगो के रख दिया है ऑलरेडी 2 दिन। फिर से यहाँ जो है धनिया का सीड का ऊपर में थोड़ा थोड़ा मिट्टी तो देनी पड़ती है क्योंकि बारिश देने से वो पूरा निकल जाएगी ना, उसके वजह से मम्मी यहाँ पे ठीक कर रही है। यहाँ पे जो है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। मम्मी ने गाजर का सीड को भी दे दिया है, पर ये वाला जगह जो है थोड़ा छोटा पड़ गया है, अभी लंबा करना है क्या?
हाँ इसका ऐसे लाइन करके दे देंगे, देखो और भी बचा हुआ है तो हम लोग जो है पूरा दे देंगे। हाँ और भी जाएगा वहाँ पे। लेमो मिट्टी को ठीक कर रहा है और यहाँ मम्मी ने जो सीट दिया है अभी अभी उसके ऊपर में मिट्टी दे रही है, तो अभी मुझे जो है वहाँ पे जानी पड़ेगी। जाए रुकों था एक्सप्लोरर। गाजर का तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, फिर से ये पालक को जो है हम लोग इस साइड में दे देंगे। यहाँ पे देखो इतना लंबा करके गाजर हो चुका है और वहाँ पे धनिया और इस साइड में जो है पालक। ये देखो ये वाला पैकेट जो है बस एक टू है, तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे मम्मी और मैं यहाँ लगा देंगे। ये देखो ये वाली सीट को यहाँ पे देनी पड़ेगी, उगाना पड़ेगा। तो चलो अभी बारिश देने वाली है। ये देखो एकदम बादल जो है काले काले हो चुके हैं, तो हमें जो है ये काम को फटाफट कंप्लीट करनी पड़ेगी। पूरा थक गई हूँ, आज तो गर्मी नहीं है बस ऐसे थकान से बहुत होती है ना। ये देखो यहाँ पे खोल दिया, वाह अलग है ना। अरे हम आज ही देख रहे हैं वहाँ पूरा मिट्टी हो गया है, हाथ देखो काम कर रहे हैं। ये देखो हाँ एकदम अच्छे तरीके से दिख पाती है, ये बहुत बड़ा बड़ा है। ये देखो मैं पहली बार देख रही हूँ, ये है पालक का सीप। बाप रे पूरा मम्मी का फिनून पे जो है मिट्टी लग गई है। हाँ हो जाएगी ना, ऐसे पूरा दे दो, पूरा दे दो। देखो देखो आ चुका है, पूरा मिट्टी दे दिया है हम लोगों ने यहाँ पे पालक का सब्जी का ऊपर में, पालक सीट का ऊपर में एक्चुअली। यहाँ पे लेके आया है हम लोग का छोटू सा, ये देखो हम लोग का पप्पी डॉन, अभी अभी सोया है इसने। गला काट दू, काट दू गला, नो गला काट दू। फिर से यहाँ मम्मी जो है यहाँ देखो कौन को निकाल रही है, अभी इसको जो है साइड साइड में दे देगी मम्मी, अभी मेरी जरूरत नहीं है, मम्मी अकेले ही सकेगी। ये वाली बहुत ही अच्छा है ना, ये मकई ये भुट्टा जो है बहुत ही अच्छा है, हम लोग कहते हैं बिनी मुक्की अपने लैंग्वेज में, बहुत ही टेस्टी होती है एकदम। ये पिछले साल का है देखो, पूरा खराब भी हो रहा है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो गया ना। खेत का काम तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अभी फिर से मम्मी जो है घर का आसपास में यहाँ पे दवाई मार रही है, क्योंकि ग्रास वगैरह बहुत जल्दी उगते हैं बारिश देने से, इतना जल्दी जल्दी उगते हैं ना। अभी अभी मम्मी ने जो है बाथरूम पे एक तो स्नैक देखा है, और एकदम घर का पास में जो है हम लोग का लकड़ी वाला घर, तो इसमें जो है बहुत चूहे वगैरह है, इस कारण पूरा रिस्क है, तो स्नैक वगैरह भी घुस सकता है, इसलिए डर लगती है। तो हमें जो है फिनाइल ना क्या कहते हैं उससे मारना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा, तो फिर भागेगा चूहे वगैरह स्नैक वगैरह सब भाग जाएगा। लाओ हाँ। तो अभी वीडियो को एंड कर लेते हो दोस्तों, अभी जो है मुझे नहाना भी पड़ेगा, घर की काम भी और भी है, बारिश के बूंदे अभी भी गिर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आजकल जो है सब खेत का ब्लॉग मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि हमें जो है खेत का काम करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग एकदम आराम से इंजॉय कर लेना हम लोग का ब्लॉग जो है। बाय बाय, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ।